वेलकम, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज साउथ, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें कि सैंडलवुड ने स्टार दर्शन रॉबर्ट को चुनौती देते हुए आज कर्नाटक के लगभग 656 सिनेमाघरों में रिलीज की है। कन्नड़ फिल्म उद्योग के इतिहास में इतने सारे सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली यह पहली सैंडलवुड फिल्म है। दरअसल खबर यह है कि रोबोट ने ध्रुव सर्जा की पोगारू फिल्म को कुछ सिनेमाघरों में बदल दिया है। यह फिल्म तेलंगाना और आंध्र राज्यों में भी रिलीज हो रही है। इसने कुछ रिकॉर्ड बनाए हैं। रोबोट को पड़ोसी राज्यों में भी जारी किया जाएगा, जिनमें तमिलनाडु, केरल और यहां तक कि दिल्ली जैसे प्रमुख राज्य भी शामिल है। यह फिल्म अपने प्री रिलीज बिजनेस के लिए ज्यादा चर्चा में है। टीम द्वारा बताए गए विवरण के अनुसार फिल्म को 100 से अधिक मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। एक सूत्र के अनुसार पहले दिन लगभग 2786 शो होंगे, जिसमें सभी थिएटर शामिल होंगे, जो सैंडलवुड में एक नया रिकॉर्ड होगा। इस फिल्म ने आंध्र और तेलंगाना में भी सनसनी मचा दी थी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्रमशः 433 और 407 शो होंगे। कुल मिलाकर पहले दिन तीनों राज्यों में लगभग 3723 शो होंगे। इस फिल्म को बैकरोल करने वाले उमापति श्रीनिवास गौड़ा ने इस फिल्म में 50 करोड़ से अधिक का निवेश किया है, लेकिन सूत्रों की माने तो फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। अब उद्योग के पर्यवेक्षक और व्यापार विश्लेषक यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि यह फिल्म पहले दिन कितना कमाएगी। कोरोना वायरस महामारी के विराम के बाद रिलीज होने वाली ये दूसरी बजट की कन्नड़ फिल्म है। पहली फिल्म ध्रुव सर्जा की पोगारू थी, जिसमें रश्मिका ने मुख्य भूमिका निभाई थी। पोगारू ने बॉक्स ऑफिस पर तेज कारोबार किया है। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।